तो सबसे पहले तो गली पूरी टूटी फूटी है, जिसके लिए यहाँ की जो नगर सेवक है उनको 10 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ के नगर सेवक से भी कि अगर आपको और चाहिए तो हमारा ये माहौल को सुधारें। इलेक्शन जीतते बढ़ जाते अपनी नोड। हुदा स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया है नया डिग्री कॉलेज आरबी कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, जहां साल 2024-25 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। स्पेशल कोर्सेज है बीएससी आईटी, बीएससी डेटा साइंस, बैचलर्स इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स से लेकर लाइब्रेरी तक हर फैसिलिटी अवेलेबल है, साथ ही एक्सपीरियंस फैकल्टी फॉर द बेस्ट गाइडेंस। ओनली एट आरबी कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, मैनेज बाय हुदा इंग्लिश स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, एट भंडारी कंपाउंड नियर मुथूट फाइनेंस, नारपोली, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, दवाई में सभी का स्वागत है। फिलहाल हम आए हैं भिवंडी के शांति नगर रहमतपुर इलाके में। मेरे पीछे शादी हॉल है, रहमतपुर शादी हॉल है, और बस उसी के सामने गली में हम खड़े हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हमारे भिवंडी शहर में नाला सफाई अभियान चल रहा है। अभियान तो क्या, नाला सफाई का काम चल रहा है, और इस नाला सफाई में शहर के बड़े बड़े नाले आते हैं, गटरें आती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन सारी चीज़ों में जो कुछ स्लम इलाके हैं शहर के, उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और ये मैं कहूँगा कि साफ साफ महानगर पालिका की लापरवाही है। हालांकि इसमें लोगों की काफ़ी गलती रहती है, लेकिन उसके बावजूद महानगर पालिका की जिम्मेदारी है कि चीज़ों को साफ़ करके दे। तो यहाँ पे हम आए हैं भिवंडी के रहमतपुर में, शांति नगर रहमतपुर में, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से गंदगी में लोग रहने के लिए मजबूर है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कई महीनों से या कई सालों से जो है गटर की सफाई नहीं हुई है। गटर पूरी भर चुकी है, और अब ज़रा सी भी बारिश होती है, ज़रा सा भी पानी आता है तो लोगों के घरों में जो है गटर का गंदा पानी आता है, टॉयलेट लेटरिन का जो है पानी आता है, पूरी गंदगी आती है। तो हम आपको दिखाएंगे कि क्या हाल है यहाँ पे लोगों के, रहने वालों के। देखिए, जैसे हम एंटर करेंगे, तो सबसे पहले तो गली पूरी टूटी फूटी है, जिसके लिए यहाँ की जो नगर सेवक है उनको 10 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप गटर की और गंदगी की बात करेंगे तो देखिए, सबने जो है अपने अपने घरों में प्राइवेट टॉयलेट बना के रखे हैं, और प्राइवेट टॉयलेट का जो पूरा यहाँ पे जो इसका निकासी है वो नहीं होने की वजह से जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैसे पूरा पानी ऊपर से भर के आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये देखिए, ये जाली दिख रही है, इसमें गटर ये देखिए ये पूरी भरी है। अब यहाँ पे लोग बोलते हैं कि साफ़ नहीं होती है करके, एक मिनट रुको, हाँ बोलिए, कब से एक एक करके बोलने दो, एक एक करके, हाँ ये कब से साफ़ नहीं हो रही है? ये जब से बनी आती ही नहीं साफ़ कर रहे, अगर साफ़ करेंगे तो कचरा रख के चले जाएंगे, लेके नहीं जाते। अच्छा, साफ़ ही नहीं करते, हम लोग परेशान हो जाते। तो ये जो है आप लोगों ने ही किया होगा ना, गंदगी कचरा तो आपका ही होगा ना इसमें? गंदगी कचरा नहीं, ये गटर काफी दूर से आ रही है, हम लोग पहले जाली लगा दिए थे तो फिर वो लोग निकाल दिए, फिर वापस कचरा आ रहा है। अच्छा, घर वगैरह बनता है ना तो रेती भी आती है, सब रेती मट्टी भी फंस जाती है, सब जमा है। बोलिए, आप भी यहीं रहते क्या? यहीं रहती हूँ मैं, देखो यही घर है मेरा पूरा, यहाँ पूरी गंदगी, बाथरूम सब आता, सब बह के आता है, टॉयलेट बाथरूम का पूरा पानी आता है। देखो ये दीवार नहीं है, ये दीवार कितनी काली हुई है ना, पूरा यहाँ तलक के पानी बह के आता है। बोलेंगे तो पब्लिक को कुछ भी हो रहा नहीं, और इतना यहाँ से यहाँ तक लग के सब टूटा है, बच्चे जाते आते गिरते पड़ते, वो कुछ फर्क ही नहीं होगा। किसी से शिकायत की थी आपने इसकी? करे ना, बोले ना उसको, गटर साफ कराने वाले को बुलाए, सबको बुलाए। हाँ। इलेक्शन जीतते बढ़ जाते अपनी नोड।
15,000 रुपए वो कौन मांग रहे 15,000 गटर साफ करने वाले हाँ बोले 15,000 चाहिए बोले जगह पे कचरा फेंकेंगे सब करेंगे बोले 15,000 दो तो सब... कोई प्राइवेट मजदूर हो ना कि जो महानगर पालिका के आदमी प्राइवेट लोग तो महानगर पालिका के लोगों से आप लोगों ने बात किया पालिका के कोई नहीं आते सब खाली उठ के जब जिंदे रहते बाद में मरे हुए मुर्दे बन जाते कोई नहीं आते हाँ बुला के देखे के लिए वोट के लिए नगर सेवक आते हैं महानगर पालिका के जो लोग हैं वो अलग है उनका काम अलग है नहीं आते वो कोई नहीं आते बुलाएंगे तो कोई नहीं आएंगे आएंगे सब जगह आएंगे रुको जरा रुको क्या कुछ बोलेंगे भैया नहीं बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं ना सही बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं महानगर पालिका वाला तो यहाँ आता नहीं है बाकी प्राइवेट वालों से हमने शिकायत की तो कोई 15 मांग रहा है कोई 20 मांग रहा है और प्राइवेट वालों से शिकायत क्यों करेंगे प्राइवेट वालों का तो काम ही नहीं वो अगर आप बोलोगे तो पैसा मांगेंगे मेरा ये बोलना है कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो यहाँ के समझो नेता बनते हैं जो पूर्व नगर सेवक है उनसे आपने बात उनसे बोल के नहीं उनसे तो हमने नहीं शिकायत की है किसी से बताइए आइए चलिए खाली ये देखिए दोस्तों ये हाल मैं आपको बताना चाहता था रुको जरा एक खाला रुको एक मिनट रुको ये देखिए ये जो गंदगी अगर आपको दिख रही होगी बोलो क्या बोल रहे थे क्या तकलीफ है ये गटर बन रही नहीं है आज कई साल से वो घर में भी कोई रहता नहीं है खाली है आधे को उधर आधा जो गया है ना वो दो भटक गड़ा दिए हैं तो अब इधर पे जो है तो ये सीधी लाइन पहले थी ये पानी जो आता है ये गटर का अभी मैं लकड़ी करके इधर अच्छा। दिन भर में 4 टाइम मैं इसको ये कब से हालत है मैं कोई बताओ ये कब से हालत है अपनी देखो अब कितना साल 4 साल समझ लो पानी जमा उधर आगे नहीं बढ़ रहा है ना आगे बढ़ा नहीं है बनाने के रास्ते वो कर दिए उसके बाद का सोचे नहीं है ना कुछ फिर अब ये पानी नहीं का मेरे दरवाजे में आ रही है बरसात में पूरा कचरा ये गंदगी कौन लाके कौन लाके ये इन्हीं के घर का दिख रही है परेशान किसी के दुकान का लग रहा है दुकान का भी है सब कचरा डालते हैं संडासा डालते हैं सब डालते हैं अच्छा ये देखो दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि लोगों के घर है यहाँ पे आप घरों के अंदर जो है बांस भी आती होगी और मच्छर भी आते होंगे देखो ये इनकी खिड़की है इनके दरवाजे हैं लोग बाहर कैसे निकलते होंगे तुम्हारी अम्मी क्या अच्छा ठीक है आओ खाली अब तुम बोलो ये कब से है ये बोलूंगा मैं अरे बहुत क्या बोलना 2-3 साल से है सब लोग आगे आगे होके बढ़ाए और कोई बनाने वाला राजी नहीं अच्छा हाँ तो ऐसे ही गंदगी हाँ ऐसे ही गंदगी रहती कोई आता गटर साफ करने वाला थोड़ा बहुत उठा लेता है वो बोलता आगे तक पैसा जब से मेरी अम्मी की भी तबीयत ऐसी खराब सब बढ़ाए मतलब ये जो लोग घर बनाते हैं बड़े बड़े तो उसमें ये सब चौकअप हो जाता है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर महानगर पालिका की कार्रवाई हो तो आधे से ज़्यादा घर टूट जाएंगे क्योंकि आधे से ज़्यादा घर जो है वो अवैध रहते हैं लेकिन उसके बावजूद लोग जो है इस तरह से घर बनाते हैं ना कोई प्लानिंग है ना पानी निकलने का रास्ता है ना गटर निकलने का रास्ता है और यहाँ पे देखो तो फिर वो मनमानी करते हैं तो यहाँ पे अब ये जो तो दोस्तों ये देखिए ये जो हाल है हाल लेके आपको नहीं लगेगा कि हम भिवंडी शहर के एक इलाके में हैं देखिए किस तरह से पत्थर पड़े हैं और क्या हाल है यहाँ पे देखिए ये देखिए हट बैठा थोड़ा सा हाँ ये देखो ये पूरा थोड़ा हटो बेटा हटो थोड़ा ये देखो ये इस तरह से पानी बह रहा है खुली खुली गटरें है खुली खुली नाली है और ये पूरा पानी जो है यहाँ पे जमा होता है अब यहाँ के लोग किस तरीके से रह रहे समझ में ही नहीं आ रहा मेरे को कि क्या गंदगी होगी आजी भाई कब से रहते हैं बचपन आ गया मेरा यहाँ पे बचपन से सब इधर ऐसे ही रहता है नगर सेवक को बोलते हैं नगर सेवक बोलता है हाँ भेजता हूँ कोई नगर सेवक भेजते नहीं है और इधर जो काम करने वाले हैं उन लोग बोलते हैं हाँ आता हूँ आते नहीं है कोई भी छुट्टी शिकायत वगैरह किए थे हम लोग एक्शन कुछ भी लिया नहीं गए अच्छा, कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया अच्छा, तो अभी आप क्या चाहते हो कि ये चीज़ें जो है ना किस तरह से मतलब बोलने की बात ये है कि आप महानगर पालिका से अपील करना चाहते हो कि यहाँ के जो नगर सेवक है उनसे कहना मैं दोनों से अपील करना चाहता हूँ महानगर पालिका से भी और यहाँ के नगर सेवक से भी कि अगर आपको वोट चाहिए तो हमारा ये माहौल को सुधारे और हमारे को अच्छी तरह से कोऑपरेट करें तो हम लोग इंशाल्लाह आने वाले दौर में आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा देंगे हमारा आप प्रीमियम चॉकलेट्स वगैरह जैसे जो इम्पोर्टेड चॉकलेट रहती है वो खाते हो शौक है लेकिन भिवंडी में मिलता नहीं है वो ज़्यादातर भिवंडी में नहीं मिलता है तो मैं आपको एक पता बताता हूँ वहाँ पर आपको बिल्कुल मिल जाएगा अच्छा चाविंद्रा में सुप्रीम पेट्रोल पंप है वहाँ पे एक हैप्पी शॉप करके तो वहाँ पे आपको इम्पोर्टेड चॉकलेट्स और वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स सारी चीज़ें जो है वहाँ पे मिल जाएगी तो एक बार जाओगे वहाँ पे इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे और दोस्तों को भी लेके जाएंगे कहाँ पे लेके जाओगे चाविंद्रा में नाम क्या बोले हैप्पी शॉप ठीक है
तो दोस्तों ये हाल है यहाँ का। अब समझ में नहीं आता है कि लोग किस तरह से रहते होंगे। देखिए हर जगह पे गटरें टूटी हुई है। देखिए यहाँ पे भी ना चेंबर का ठिकाना है ना किसी चीज़ का। और अगर उसी को यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी वही हाल है। कहीं लादी रखी हुई है, कहीं पत्थर रखे हुए है। तो ये हाल है यहाँ के स्लम एरिया का। और यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं। तो हम यही चाहेंगे कि महानगर पालिका इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन ले, यहाँ पे जो तकलीफें हैं उसको दूर किए जाए।